सुहागनी पुती जो अखत अगर मैं शोभित कहूं तुमको उड़ जासी सब भरा मैं उड़ जासी सब भरा मैं सुनियो वाणी सुहागनी। धामधनी अक्षराधीन ने हम सबके आत्म जागृति के लिए हमें तारतम वाणी रूपी अनमोल उपहार दिया है। कलश हिंदुस्तानी की चौपाई है। तू कौन आई इत क्यों कर, आपने सैकड़ों बार पढ़ा होगा, सैकड़ों बार इसकी चर्चा भी सुनी होगी। आज सृष्टि को बने 1,96,00,000,000 से ज्यादा वर्ष हो चुके हैं। हजारों लाखों अरबों प्राणियों ने इस संसार में जन्म लिया और मृत्यु का ग्रास बन गए। हजारों लाखों संप्रदाय इस समाज में उपजे और खत्म हो गए। करोड़ों मनुष्यों ने इस संसार में जन्म लिया, ज्ञान की एक बूंद को पाया और इस संसार से चले गए। लेकिन जिस दिन ये ब्रह्मांड बना, सृष्टि की उत्पत्ति के पहले दिन ही यजुर्वेद ने इस संसार के मानवों से एक प्रश्न पूछा था, को असी को नाम असी, और खत्म हो गए। करोड़ों मनुष्यों ने इस संसार में जन्म लिया, ज्ञान की एक बूंद को पाया और इस संसार से चले गए। लेकिन जिस दिन ये ब्रह्मांड बना, सृष्टि की उत्पत्ति के पहले दिन ही यजुर्वेद ने इस संसार के मानवों से एक प्रश्न पूछा था, को असी को नाम असी कत्मो असी कस्या अस्ति, को असी तुम कौन हो, कस्या अस्ति तुम किसके हो, यानी तुम्हारा प्राण वल्लभ कौन है, कत्मो असी और तुम कहां से इस संसार में आ गए, और को नाम असी तुम्हारा पूरा परिचय क्या है। इस मंदिर में तो 100-200 लोग बैठे हैं। विज्ञान कहता है कि इस संसार के अंदर इतने प्राणी हो चुके हैं कि यदि आप पृथ्वी पर अपना एक पांव रखते हो, उस पांव के नीचे भी 10 लाशें दबी पड़ी। यानी इस पृथ्वी पर इतने प्राणी आए, इस संसार में रहे और इस संसार से वापस चले गए। लेकिन क्या कोई आज तक इस प्रश्न का उत्तर दे पाया, को असी कत्मो असी कस्या अस्ति को नाम असी, एक भी प्राणी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया। आप विचार कीजिए कि यदि आपको एक किसी अंधेरे कमरे के अंदर बंद कर दिया जाए, क्या आप उस कमरे के अंदर हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएंगे, नहीं बैठ पाएंगे। प्रतिपल आपके मन में ये बेचैनी होगी, प्रतिपल आपके मन में ये विचार उठेगा कि मैं कुछ भी करूं, कोई भी प्रयास करूं, इस कमरे से बाहर निकल जाऊं, मैं देखूं तो सही इस कमरे से बाहर है क्या। लेकिन ये सृष्टि की के अंदर प्राणी आते हैं और इस संसार से चले जाते हैं, किसी भी प्राणी के मन में ये विचार नहीं उठता कि सृष्टि से परे आखिर है कौन, मैं इस संसार में आया तो क्यों आया। आप यहां पर मंदिर में आए हैं, मैं आपसे पूछता हूं कि आप कौन हो। महिलाएं बैठी हैं, वो अपने पति का नाम बताएंगी कि मैं इसकी धर्म पत्नी हूं। युवा बैठा होगा, वो अपने पिता का नाम बताएगा कि मैं उसका पुत्र हूं। लेकिन पूछा जाए कि ये संबंध तो इस संसार का है, जब आप इस पति की पत्नी नहीं थे, जब आप इस संसार में आए नहीं थे, तब आप कहां थे, और एक दिन इस संसार से सबको जाना है, ये तो शाश्वत सत्य है। प्रश्न उठता है कि जिस दिन आप इस संसार से चले जाएंगे तो आप कहां पर जाएंगे। आज
हम सभी सुंदर साथ होने के बावजूद, इस अनमोल ज्ञान को प्राप्त करने के बावजूद भी संसार के माया के सुखों में लगे हैं। मैं एक सुंदर साथ के घर गया था। उन सुंदर साथ ने बड़े प्रसन्नता के साथ मुझे अपना बाथरूम दिखाया और बताया कि इस बाथरूम को बनाने में 10 लाख का धनराशि लगी। मैं मन ही मन हंस रहा था। आप विचार कीजिए, जीवन भर आप 10 लाख के बाथरूम में स्नान करते रहेंगे, लेकिन जिस दिन आपको इस संसार से रुखसत किया जाएगा, उस दिन आपका स्नान कैसा होगा? उस दिन एक लकड़ी के फट्टे के ऊपर बिठा करके आपको नहलाया जाएगा। उस दिन वो संसार के मखमली कोमल गद्दे कहां होंगे? उस दिन आपके वो आभूषण कहां होंगे? और उस दिन आपकी वो महंगी महंगी पोशाकें कहां होंगी? सारा सामान एकत्रित करकर आपकी जिता के साथ उसको अग्नि देना के कहां होगी? सारा सामान एकत्रित करकर आपकी जिता के साथ उसको अग्नि दे दी जाएगी। लेकिन एक प्रश्न हमेशा के लिए रह जाएगा कि तू इस संसार में क्यों आई थी? तू इस संसार में कहां से आई थी? तू इस संसार में क्या करने आई थी? और अब तू इस संसार से जा रही है तो तू कहां जा रही है? क्या हम में से कोई इसका उत्तर दे सकता है? हमने तात्म ज्ञान को प्राप्त किया, युगों युगों से इन प्रश्नों का उत्तर कोई दे नहीं पाया। लेकिन 16वीं शताब्दी शायद परमात्मा को यही मंजूर था। 16वीं शताब्दी के अंदर परमात्मा की मेहर से इस संसार के अंदर एक महान व्यक्तित्व ने जन्म लिया, जिनका नाम था देवचंद। उन्होंने अपनी निस्वत का आधार लेकर अपने प्रेम और विरह से परमात्मा को ऐसी करुणामयी पुकार लगाई कि जो क्षर और अक्षर से परे अक्षराती आज तक इस संसार में जिसका कोई भेद नहीं लगा पाया, वो नंगे पांव इस संसार में दौड़ा चला। देवचंद्र जी को दर्शन हुआ और देवचंद्र जी को दर्शन होने के बाद देवचंद्र जी से सबसे पहले क्या पूछा गया? तू कौन है? आई इत क्यों करे? कहाँ है तेरा वतन? ये कोई नया प्रश्न नहीं था, मैंने पहले भी बताया। आज से 1,96,000,000,000 साल पहले यजुर्वेद ने संसार के समस्त प्राणियों से प्रश्न पूछा था, को असी को नाम असी कस्या अस्ति। और आज जब देवचंद्र जी के सामने उसके प्राणों का प्रीतम प्राण बल्लभ खड़ा है, तो वो प्राण बल्लभ भी देवचंद्र जी से क्या पूछ रहा है कि तू कौन आई इत क्यों कर, कहां है तेरो होको? चार प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न क्या था? तू कौन? दूसरा प्रश्न क्या था? इत आई क्यों कर? तीसरा प्रश्न क्या था? कहां है तेरो वतन? और चौथा प्रश्न क्या था? नार तू कौन हसन? देवचंद्र जी को तो इन प्रश्नों के उत्तर मिल गए, इंद्रावती जी को इन प्रश्नों के उत्तर मिल गए, लालदास जी को इन प्रश्नों के उत्तर मिल गए, मुकुंददास जी को इन प्रश्नों के उत्तर मिल गए, अमीरुल मोमिन महाराजा छत्रसाल जी को इन प्रश्नों के उत्तर मिल गए। लेकिन आज मैं यहां बैठे जन समुदाय से पूछता हूं कि क्या आपको भी इन प्रश्नों के उत्तर मिल गए? क्या यहां पर जितने सुंदर साथ बैठे हैं कोई डिम घोष के साथ कह सकता है कि मैंने इन चारों प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर लिए हैं? हिंदू समाज के अंदर एक परंपरा है जिसको देख करके हंसी आती है कि संसार के अंदर कोई कितना अधम से अधम, नीच से नीच, दुष्ट कर्म करने वाला व्यक्ति हो, लेकिन जब वो इस संसार से जाता है तो क्या कहा जाता है कि वो स्वर्गवासी हो गए। आप समझे? चाहे जीवन भर उसने कोई एक भी पुण्य कर्म ना किया हो, लेकिन जन्म इस संसार से जाने के बाद सब कोई क्या कहेंगे कि मेरे पिताजी क्या हो गए? स्वर्गवासी हो गए। मेरा एक दोस्त था मुसलमान, वो हमेशा कहा करता था कि मेरी जन्नती माँ ऐसा कहा करती थी, मेरी जन्नती माँ ऐसा कहा करती थी। जैसा हिंदू समाज समझता है वैसा ही मुसलमान समाज समझता है कि चाहे जीवन में कितने भी पाप क्यों ना किए हो, मरने के बाद आप कहां जाओगे? जन्नत में जाओगे।
एक बार हो, भरने के बाद आप कहां जाओगे? जन्नत में जाओगे। एक बार रसूल मोहम्मद ने कहा था कि जन्नत में तुम तब तक दाखिल नहीं हो सकते, जन्नत में जाने के लिए शर्त क्या है? मोहम्मद साहब ने कहा कि जिसके दिल में एक जर्रे के बराबर भी कुफ्र होगा वो जन्नत का अधिकारी नहीं बन सकता। जर्रा किसे कहा जाता है? जर्रे का मतलब अरबी भाषा में ये है, आपने एक छोटी चींटी को देखा होगा जो पांव के नीचे कुचली जाती है, उस छोटी चींटी का वजन कितना होगा? क्या आप उसको माप सकते हैं? नहीं माप सकते। अब विचार कीजिए, उस चींटी का जो अंडा होगा क्या उसके वजन की कोई माप की जा सकती है? नहीं की जा सकती। उन्होंने उससे भी अहीर, उससे भी छोटा कहा कि उस अंडे में से जो छोटा सा चींटी का बालक निकलेगा, बच्चा निकलेगा, क्या उसका कुछ वजन हो सकता है? नहीं हो सकता। उससे भी अहीर। अब वो जो चींटी के अंडे से निकला छोटा सा बालक है, उसका जो एक पैर है, उसका जो वजन है, अरबी भाषा में कहा जाता है कि उस वजन को एक जर्रा कहा जाता है। तो मोहम्मद साहब आपने फरमाया कि जिसके दिल में एक जर्रे के बराबर भी कुफ्र है वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। सोचिए, एक जर्रे की तुलना की जा रही है और संसार के लोग तो दिलों में कुफरों के पहाड़ लेकर के बैठे हैं। उनकी मूर्खता है, वो भी जैसे हिंदू सबको कहते हैं कि हमारे पिताजी हमारी माताजी स्वर्ग चली गई, वो कहते हैं कि हमारे अब्बू हमारी अम्मी जान कहां चले गए? जन्नत में चले। इन लोगों को देखा देखी हमने भी एक परंपरा बना ली, जिसने राज्य के सामने माथा टेका, एक दो बार परायण पढ़ लिया और जब वो इस संसार से जाता है तो सब क्या कहते हैं कि वो धामी हो गए, वो धाम वासी हो गए। सुंदर साहब जी, बहुत कड़वे वचन हैं, लेकिन कहना पड़ेगा कि यदि छह तारतम की चौपाइयां बढ़ने से, यदि गले में कंठी बांधने से, यदि चार बार राज्य के सामने उठक बैठक करने से और यदि एक बार फुलजम स्वरूप किताब को आंखों से पढ़ने से कोई परमधाम पहुंचता तो फिर परमधाम की तो कोई कीमत ही ना रह जाती। यह हमारा कितना बड़ा छलावा है, हम अपने मन को तसल्ली दे देते हैं कि वो परमधाम चले गए, वो परमधाम वासी चल हो गए। यदि परमधाम जाना इतना सरल होता तो देवचंद्र जी के त्याग की क्या कीमत रह जाती। यदि परमधाम जाना इतना सरल होता तो उस फूलबाई के त्याग की क्या कीमत रह जाती। यदि परमधाम जाना इतना सरल होता तो अमीरुल मोमिन महाराजा छत्रसाल जी के त्याग की क्या कीमत रह जाती। इंद्रावती जी कलश की वाणी में कहती है कि पिया संग इन अंगे करूं तो मैं सुहागे, पिया संग इन अंगे करूं तो मैं। यदि जीते जी मैंने अपने प्रीतम को अपनी आंखों से देख लिया, यदि जीते जी मैंने युगल स्वरूप की शोभा को अपने हृदय में बसा लिया, यदि जीते जी मेरे हृदय में प्रेम का वो सागर उमड़ने लगा, यदि जीते जी मैंने उस निस्वत हकीकत और मार्फत के सागर में गोता लगा लिया, तभी मैं कह सकती हूँ कि मैं धाम की सुहागे हूं। कोई मरने के बाद धामी नहीं होता, अगर धामी बनना है तो उसको जीते जी बनना होगा। जिसने जीते जी अपने हृदय में राज्य की शोभा को बसा लिया, जिसने जीते जी हृदय के अंदर निष्पत हकीकत बसा लिया, जिसने जीते जी हृदय के अंदर निष्पत हकीकत वाहिदत मार्फत के सागरों में डुबकी लगा ली, केवल और केवल वही सुंदर साथ कह सकता है कि मैं परम धाम वासी हो गया, मैं धामी हो गया, और वही आत्मा परमात्मा की शोभा को प्राप्त करती है। तो मैं कह रहा था, शब्दों में कहना बहुत सरल है कि हमें इन प्रश्नों के उत्तर मिल गए। हमसे पूछा जाए तू कौन, सभी चिल्लाएंगे मैं परमधाम की आत्मा। आई क्यों कर माया का खेल देखने, कौन तेरा खसम, सभी कहेंगे अक्षरा तीर्थ धाम कर। क्या यही हमारी जागनी है? ये तो एक नाम मात्र है, ज्ञान मात्र है। उपनिषदों में एक कहानी आती है, देवों के ऋषि हैं नारद। एक बार नारद ऋषि सनत कुमार के पास जाते हैं
आप तो जानते हैं सनत कुमार कौन है। सनत कुमार कौन है? सनत कुमार है अक्षर ब्रह्म की पांच वासनाओं में से एक वासना। ऐसी वासना जिसे बेहद का कुछ ज्ञान है, उनके पास जाकर के नारद जी कहते हैं कि मुझे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दीजिए। जब नारद जी ऐसा कहते हैं तो सनत कुमार कहते हैं कि नारद पहले ये बताओ तुम क्या जानते हो, जब मुझे ये पता लगेगा तुम्हारी पहुंच कहां तक है मैं तुम्हें उसके बाद वहां से ऊपर का ज्ञान दूंगा। तो नारद जी ने बताना शुरू किया कि मैं क्या जानता हूं। नारद जी ने कहा ऋग्वेदो अध्ययनी कि हे सनत कुमार मैं ऋग्वेद को पढ़ चुका हूं, यजुर्वेदो सामवेदो अथर्ववर्ण चतुर्थम, यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद समेत चारों वेदों को मैं कंठस्थ, और इतना ही नहीं इतिहासम पुराणम पंचानाम वेदः और इतिहास और पुराण कहे जाने वाले पांचवें वेद को भी मैं पढ़ चुका हूं। देवम पितृम राशिम निधिम देव विद्या पितृ विद्या राशि विद्या निधि विद्या इन सबको मैं पढ़ करके आया हूं। ब्रह्म विद्या को मैं पढ़ करके आया हूं। वाक वाक्यो एकायनम तर्क शास्त्र में मेरी पहुंच है। छत्र विद्या नक्षत्र विद्या मैं छत्र विद्या का भी ज्ञाता हूँ नक्षत्र विद्या का भी ज्ञाता हूँ। सर्प देवजन विद्याम अध्येमो इति और सर्प देवजन यानी चिकित्सा शास्त्र को भी मैं पढ़ चुका हूं। आप सोच रहे हैं कितना ज्ञान है, लेकिन इस ज्ञान का उत्तर सनत कुमार ने क्या दिया? सनत कुमार ने कहा कि नामो इति कि नारद ये तो केवल नाम मात्र है। ये क्या है? ये तो केवल नाम मात्र है। परमात्मा तो शब्द मन बुद्धि से परे है। इंद्रभ्यश्च परा ही अर्थः अर्थभ्यश्च परा ही मनः मनसस्त परा ही बुद्धिर बुद्धिर आत्मा महत् परा कि जहां मन की मनन चिंतन समाप्त हो जाता है, जहां बुद्धि की विवेचना समाप्त हो जाती है, जहां पर मन के सारे तर्क समाप्त हो जाते हैं, परमात्मा का राज्य वहां से आरंभ होता है। आप सोचिए इस उदाहरण को देने का एक ही कारण है कि हम ये जाने कि यदि हमने ज्ञान से इन शब्दों को जान लिया है, यदि हमने ज्ञान से कुछ खिलवत की चौपाइयां जान ली, कुछ परिक्रमा की चौपाइयां जान ली, कुछ सागर की चौपाइयों को पढ़ लिया, कुछ सिंगार की चौपाइयों को पढ़ लिया और हम हाथ पर हाथ धरकर बैठ गए कि संसार से जब हम जाएंगे तो हमारी सुरता मूल मिलावट में खड़ी होगी, तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। आपके जी ने सिंगार में उत्तर दिया। इंद्रावती जी कहती है कि रूह तेती जागी जानियो जेता दिल में चुभे हक रूह तेती जागी जानियो जेता दिल में चुभे हक अंग और जो अंग हक दिल ना आया रूह के तेती फरामोसी। सिंगार की वाणी में इंद्रावती जी हमसे पूछती हैं कि मैंने तो अक्षरातीत के नेत्रों को देखा है, मैंने उनके नेत्रों के अंदर पुतलियों को देखा है, उन पुतलियों के अंदर के तेज को देखा है, मैंने अक्षरातीत के स्वर्ण अंगों को देखा है, मैंने उनकी नासिका को देखा है, मैंने उनके लाल अधरों को देखा है, मैंने उनके घुंघराले केशों को देखा है, मैंने उनकी लंबी गर्दन को देखा है, मैंने उनकी चौड़ी छाती को देखा है, सिर से लेकर के नख तक के एक एक श्रृंगार को मैं हजारों बार देख रही हूँ और उसका वर्णन कर रही हूँ। लेकिन हमसे पूछा जाए हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो दिन में सुबह उठ करके एक घंटा चितवनी भी करते होंगे? हमारी हालत क्या हो गई है कि जो संसार के लोग जिस परिपाटी पर चल रहे हैं हमने भी उसको अपना लिया। हम सभी सुबह उठते हैं, सुबह 8-9 बजे उठेंगे, उठ करके भोजन करेंगे, पुरुष अपने काम पर चले जाएंगे, महिलाएं अपने घर के कामों में लग जाएंगी, पुरुष शाम को थका हारा घर आएगा, खाना खाएगा, भोजन करेगा, सो जाएगा। महिलाओं के साथ भी यही है। किसी दिन यदि थोड़ा बहुत विरह जोर मारे तो हम किताबों को पढ़ लेंगे, कुछ एक दो चौपाइयां चिंतन कर लेंगे। क्या यही हमारी जागनी है? मैं एक सुंदर साहब के घर में गया, उनके घर वाणी की चर्चा थी।
वाणी की चर्चा थी। सुंदर रुमाल ढका हुआ था कुलजम स्वरूप के ऊपर, फूलों के सुंदर हार चढ़े थे। चर्चा करने से पहले किताब को खोला, उसके अंदर एक सफेद रुमाल चढ़ाया जाता है, जब उसको खोल रहा था तो उसमें से मिट्टी झड़ रही थी। ये क्या है? जिनके घर में आज भी स्वरूप साहब ऐसे पड़े हैं जिनको किसी ने सदियों से नहीं खोला, आज आप भी अपने रुमालों को हटा करके देखो, उस पर धूल चढ़ी हुई दिखाई दे। हजरत अली कहा करते थे, उन्होंने तो कुरान के बारे में कहा, उन्होंने कहा कि जब तुम्हारी कुरान की किताब पर मिट्टी चढ़ने लगे, जब धूल की परत जमने लगे, तो तुम ये समझना कि वो धूल तुम्हारी किताबों पर नहीं जम रही, वो धूल तो तुम्हारे दिलों पर चढ़ चुकी है। सरकार श्री कहा करते थे कि दिन में तुम्हारे पास समय है केवल 4 छुपाई पढ़ने के लिए, 6 छुपाई पढ़ने के लिए। यदि यही तुम्हारी आशिकी है तो ऐसी आशिकी को 100-100 सलाम है। सुबह की बन्ना जी के अंदर आपने बीतक पढ़ी होगी, सुनी होगी। सुबह का समय होता है, 5:30 बजे लालदास जी सबको उठा देते हैं और धाम का स्वरूप पढ़ा जाता है। आप यहां पर इतने सुंदर साथ बैठे हैं, कितने सुंदर साथ ऐसे हैं जो नियमित रूप से सुबह उठ करके अक्षरादीप की चित्रणी करते हैं, शायद गिनती में कुछ गिने चुने होंगे। क्यों किसी के हृदय में धामधनी के लिए चोट नहीं पहुंचती? मैं सरकार श्री का एक और उदाहरण देना चाहूंगा। आप में से तो बहुत से लोग उनसे मिल भी चुके होंगे, मैं तो कभी उनसे मिला नहीं, मैंने तो उनकी कुछ चर्चा सीरी मोबाइल में सुनी है। एक बार चर्चा हो रही थी रतनपुरी के अंदर, सुबह सुबह का समय होगा, जैसे मुझे चर्चा सुन करके पता लगा, शायद अभी नाश्ता भी नहीं हुआ, कुछ चर्चा हो रही थी, सामने सुंदर साथ बैठे हुए थे। सरकार से चर्चा कर रहे थे तो अग्रिम पंक्ति में सुंदर साथ बैठा था, उसको नींद की झपकी आ गई, और जैसे ही उसको नींद की झपकी आई, सरकार श्री ने उसको ताना मारते हुए एक बहुत सुंदर व्यंग कसा, वो हम सब के लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि अभी तो 6:30 बजे का समय है, तुम्हें भोजन भी नहीं मिला, यदि भोजन करने के बाद चर्चा में बिठाया जाए तो नींद आए तो स्वाभाविक है, लेकिन अभी तो तुम्हारे पेट में अन्न भी नहीं पहुंचा और सुबह सुबह के समय तुम झपकी ले रहे हो। सुबह सुबह के समय तुम चर्चा में झपकी ले रहे हो और तुम चले हो प्राणनाथ से मिलने, भूल जाओ, वो कभी तुम्हारे हाथ नहीं आएगा। आप मेरी बात का आशय समझे? सोचिए, जिस एक छोटी सी माया की नींद के आगे हम गुलाम बन करके नरम बिस्तर पर सोए रहते हैं, उस एक नींद के आगे हम हार गए, उस एक नींद से हम नहीं जीत पा रहे, तो ये जो माया ठगनी जो अपने हाथ में 72,000 हथियार लेकर के बैठी है, उससे आप कैसे लड़ोगे? जिसके हृदय में प्रेम नहीं, जिसके हृदय में विरहा नहीं, वो कभी भी सुबह की नींद को नहीं छोड़ पाएगा। आप विचार कीजिए, आपके घर में सुबह सुबह आग लग जाए, 3 बजे का समय हो, 4 बजे का समय हो, आग लग जाए तो आप क्या करेंगे? क्या आप हाथ पर हाथ रखकर सोए रहेंगे, या आप उठ करके घर से बाहर भागेंगे? आपके साथ में आपका बालक सो रहा है, क्या आप उस बालक को वहीं छोड़ देंगे, या उसको भी उठा करके घर से बाहर भागेंगे? मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं कि आप सोए रहेंगे या घर से बाहर जाएंगे? बाहर जाएंगे। यहां जितनी माताएं बैठी हैं, सबका वात्सल्य पुकारेगा कि मेरा बेटा, उसको गोद में उठा करके बाहर भागेगी। यहां जितने पुरुष बैठे हैं, सबके हृदय से दारुण पुकार उठेगी, मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, सबको उठा करके घर से बाहर भाग जाएंगे। सोचिए, एक माया, एक अग्नि से जलने के लिए हम इच्छा डरते हैं, बाहर भाग जाते हैं, तो ये जो माया रूपी अग्नि, जिसके बारे में धामधनी ने रास के पहले प्रकरण में ही कहा है कि जिसने 14 लोगों को जला डाला, जो 14 लोगों को भस्मीभूत कर रही है,
उससे बचने के लिए कोई बाहर निकलने का प्रयास क्यों नहीं करता? जिस दिन प्रत्येक सुंदर सांप इंद्रावती जी के उन भावों को अंगीकार करेगा, इंद्रावती जी ने कहा है कि जर्रा जर्रा मेरे जीव का बिरहा तेरा करत, जर्रा जर्रा मेरे जीव का बिरहा तेरा करत, चरण लेओ इंद्रावती पहले जगाए के हित। कि हे धामधनी, मेरे शरीर के अंदर जितने रोम है, रोम जानते हैं कि जो छोटे छोटे छिद्र हैं, एक एक छिद्र से एक ही आवाज आती है कि अब आप आइए और मेरे हृदय में आकर के विराजमान हो जाइए। अब आपकी अंगना आपका विरह नहीं सह सकती, आप कब तक इसे तड़ पाओगे? मैंने अपने दिल में आपके लिए सुंदर से सजाई है, आप आइए और इस पर आकर के विराजमान हो जाइए। लेकिन हम तात्त्विक ज्ञान को पाकर के कितना उस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। एक ही परिपाटी है, आज तो 3 दिन का उत्सव है, आप यहाँ पर एकत्रित हुए हो, खूब आनंद मंगल होगा, आपके हृदय में राज्य के लिए प्रेम उमड़ेगा, आप चर्चा को भी सुनोगे, आपका दिल गवाही देगा कि आज से तो बस मैं धनी की कील। लेकिन 3 दिन बाद जब आप अपने घरों में वापस लौटोगे, फिर से वही संग्राम शुरू होगा, फिर से आप माया के आगे घुटने टेक दोगे और फिर से वही दिनचर्या शुरू हो जाएगी। सुबह उठना, भोजन बनाना, काम पर जाना, भोजन करना, सो जाना, फिर सुबह उठना, फिर भोजन करना, फिर काम करना, फिर भोजन करना, फिर सो जाना। ये क्या है? एक चक्र है जिसमें हर कोई पिसता जा रहा है। जैसे आपने देखा होगा, चक्की में पहले आटे को पीसा जाता था। कबीर जी कहते थे कि इन 2 चक्की के पाटों के बीच में एक भी अन्न का दाना साबुत नहीं रहा, सब पिस गए। यहां तो पंजाब की भूमि है, पंजाब के ही एक फकीर ने कहा था, आपने ईंटों का भट्ठा देखा होगा, ईंटों का भट्ठा जहां पर ईंटें बनाई जाती हैं, तो उस भट्टे में क्या होता है, पहले कच्ची ईंटें बनाई जाती हैं, कच्ची ईंटों को एक गधे के ऊपर ढो दिया जाता है, वो उसको लेकर के जाता है भट्टे तक और उसको भट्टे में डाल देता है, फिर उस भट्टे के अंदर ईंटों को पकाया जाता है और फिर पकी हुई जो ईंटें बाहर निकलती हैं उसको फिर गधे के ऊपर रख दिया जाता है और वो गधा उसको लेकर के कहाँ जाता है, दूसरे स्थान पर ले आता है। तो वो फकीर बैठा था, वो कई देर तक इस दृश्य को देखता रहा कि एक गधा है जिसके सिर पर, जिसके कंधे पर कच्ची ईंटों को लाद दिया जाता है, वो जाता है बेचारा भट्टे में, उसको छोड़ के आता है, वहां पक्की ईंटें को उसके कंधों पर लाद दिया जाता है, वो फिर उसको ला करके यहाँ रखता है, फिर उसके कंधे पर कच्ची ईंटें लादी जाती हैं, वो भट्टे तक लेकर के जाता है, वहां पक्की ईंटें तैयार हैं, वो उसके कंधों पर लाद दिया जाता है और फिर उसको वापस लेकर के आता है। उन्होंने हंसते हंसते उस गधे को कहा कि गधे इधर आ, मैं तुझे तेरी कहानी सुनाऊं। उन्होंने पंजाबी भाषा में एक पंक्ति लिखी कि आवे दिया खोतिया के आवे हित खोतिया। खोता किसे कहा जाता है? गधे को। उन्होंने कहा कि कचिया ले आवेगा ते पकिया ले जावेगा, कचिया ले आवेगा ते पकिया ले जावेगा, ए भी नहीं हो मुकना ते तुम ही नहीं हो छूटना। कभी ये कच्ची और पक्की ईंटे ले जाने का कर्म नहीं छूटेगा और तेरी नियति यही है कि तू भी इससे कभी छूट नहीं सकता। ये गधा कौन है? ये गधा संसार का प्रत्येक वो व्यक्ति है जो अपने लक्ष्य को जाने बगैर संसार की दिनचर्या में लगा हुआ है। हम भी इस संसार में आए कुछ कच्चे कर्मों को लेकर के, इस संसार के अंदर काम क्रोध विद लोभ मोह के संस्कारों को हमने खूब पकाया और एक दिन हम इस संसार से चले जाएंगे। कुछ कच्चे संस्कार लेकर के आए, कुछ पक्के संस्कार लेकर के चले गए, फिर से किसी के घर में जन्म लिया, फिर कुछ कच्चे संस्कार थे, उसको संसार की काम क्रोध की अग्नि में आग ने पकाया, फिर इस संसार से चले गए। हो क्या रहा है? शंकराचार्य जी ने अपने विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में कहा कि संसार के अंदर मैं 2 खूंटों को देखता हूं, एक है जन्म और एक है मृत्यु। संसार का प्रत्येक प्राणी इन 2 खूंटों के बीच में दौड़ रहा है, कभी भाग करके जीवन रूपी जन्म रूपी खूंटे को पकड़ता है, कभी भाग करके मृत्यु रूपी खूंटे को पकड़ता है, और इन्हीं दोनों के बीच में वो भागता रहता है, भागता रहता है।
पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु का ग्रास करना, ये तुम्हारी नियति है। सोचिए, हमें इतना ऊंचा ज्ञान मिला, जिस ज्ञान को संसार के बड़े से बड़े महान पुरुष तरसते रहे, दामदनी ने वो ज्ञान हमें सौंप दिया। जिस आनंद की एक बूंद को पाने के लिए संसार के जोगी जंगल के अंदर जा जाकर करोड़ों वर्षों तक अभ्यास करते रहे, परम धाम के उस आनंद को दाजी ने हमें संपदा में सौंप दिया। लेकिन जितनी बड़ी जिम्मेवारी हमें दी गई, हमने उसका कितना वहन किया? आप विचार कीजिए, जिस दिन ये मंदिर बनाया गया होगा, जब सरकार श्री ने यहां पर जागनी शुरू की, उस समय कितने सुंदर साथ यहां पर थे और आज कितने सुंदर साथ यहां पर हैं। 18 सालों में हमने इस मिशन को कितना आगे फैलाया, यहां पर कितने लोग बैठे हैं, ज्यादातर लोग 40-50 की उम्र को पार कर चुके हैं। मैं नौजवान और नवयुवतियों को देखूं तो उनकी संख्या 5 या 10 से ज्यादा नहीं होगी। आप विचार कीजिए, आज आप 50-60 की उम्र में हैं, 20 या 30 साल बाद आप भी मृत्यु का ग्रास बन जाएंगे, आप इस संसार में नहीं रहेंगे। तो इस मंदिर में यदि प्रोग्राम होगा तो क्या वो 10 या 15 लोग ही यहां पर हाजिर होंगे? हमें इस ज्ञान के साथ क्या करना चाहिए था? हमें चाहिए था कि इस ज्ञान को हम जा जाकर संसार के प्रत्येक व्यक्ति को सुनाते, संता को ये संदेश देते कि जिस प्रेम के सागर को तुम ढूंढ रहे हो, वो प्रेम का सागर कहाँ है? लेकिन हमारी सारी ऊर्जा कहाँ व्यर्थ हो गई? आपस के झगड़ों में, आपस के मन मुटावों में, नाच कूद में, तरह तरह के भोजन प्रसाद, इधर उधर की बातों में। मेरा गांव है, मैं वहां पर जाता हूँ, 2 सुंदर साथ हैं, दोनों के घर आपस में मिलते हैं, बीच में एक छोटी सी दीवार, इतनी छोटी दीवार कि आपस में कोई दूसरे घर में झांक सकता है, छोटी छोटी दीवारें होती हैं। 2 महीने पहले इस घर में चर्चा थी, बड़े भाई के घर में चर्चा। आप मंदिरों में जाकर के देखिए, इतना आलिशान मंदिर बना होगा, संसार की कीमती से कीमती चीज शायद वहां पर रखी हो, लेकिन उसके घर में चर्चा है तो बराबर का भाई नहीं आएगा। 2 महीने बाद दूसरे घर में चर्चा है, दूसरे घर में चर्चा है, उनके घर के मंदिर को जाकर के देखिए, तरह तरह से सजाया है, लेकिन उसके घर में चर्चा है तो बराबर वाला नहीं आया। ये क्या है? कितनी संकीर्ण मानसिकता है। हम तो चर्चा में आने से पहले भी ये सोचते हैं कि चर्चा करने कौन आया, कृष्ण प्रणामी है कि निजानंदी है? फिर निजानंदी है तो कहां से आया? कोई रतनपुरी से आया है, सरसावा से आया है, बड़ौदा से आया है, कहां से आया? जिस अक्षरातीत ने जात पात ऊंच नीच के सारे आडंबरों को छोड़ करके सभी सुंदर साध को भगवा वेश धारण करा करके एक परमात्मा के प्रति नतमस्तक कराया, आज वही सुंदर साध छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। हम अपने समाज को कहां पर लेकर के जा रहे हैं? इतना ऊंचा ज्ञान मिलने के बाद हम इस ज्ञान को आत्मसात करते, इस ज्ञान को दूसरों को सुनाते, इतना प्रेम का सागर, आनंद का सागर मिलने के बाद हम इस ज्ञान की गंगोत्री में डूब जाते, इस आनंद की गंगोत्री में डूब जाते। आप दूसरों की चिंता छोड़ दीजिए, आपने दूसरे सुनाया आपकी माफी है, लेकिन आप इतना सोचिए कि जिस दिन से आपको इस रस का पता लगा, आज तक कितने घंटे ऐसे थे जब आपने संसार के हर ख्याल को अपने दिमाग से निकालकर अक्षरातीत को पुकारा, कितने आंसू आपने अक्षरातीत के लिए बहाए। यहां माताएं बैठी होंगी जो दिन में कई बार आंसू बहाती होंगी अपने पति के लिए, अपने पुत्र के लिए। पुरुष यहां बैठे होंगे जिनकी आंखों से कभी आंसू निकले होंगे अपनी पत्नी या पुत्र के लिए। लेकिन तात्मवाणी हमसे पूछती है कि जिसे तुम अपना प्राण वल्लभ कह रहे हो, जिसे तुम अपना प्राण प्रियतम कह रहे हो, जिसे तुम अपनी आत्मा का धनी कह रहे हो, क्या तुम्हारे दिलों में कभी उसके लिए भी आंसू निकले? यदि हमने इस ज्ञान को प्राप्त कर लिया और चितवनी की गहन अवस्था में हमारी आंखों से एक भी आंसू नहीं छलका,
यदि विरह की उन गहराइयों का एक अंश भी हमने हृदय में महसूस नहीं किया तो आप लिख लीजिए कि हम चाहे कितने बड़े बड़े नाम अपने साथ जोड़ लें, इस संसार से जाने के बाद संसार हमें बेशक परम धाम वासी कहता रहे, लेकिन हम परम धाम तो क्या परम धाम की छाव से भी करोड़ों कोसों दूर हो। अक्षरातीत ने कहा था, तात्मवाणी का कथन है कि बहुत पुकार करो किस खातिर, एक तो सुपन स्वरूप बेहद बनज का होएगा साथी, सो एक लवे होसी तू तो। कि कोई मेरी परम धाम की आत्मा होगी वो तो एक लव यानी शब्द के एक टुकड़े से ही टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। कुरान का दूसरी सूरत है सूरतुल बकरा। सूरतुल बकरा के अंदर एक आयत आती है, वह इन्ना अल्लज़ी काफरू सवाउन अंजर तहुम अमलम तंजीर हुम ला युमिनूना। कि ए मोहम्मद, जिन्होंने कुफर को इख्तियार कर दिया, अंजर तहुम अमलम तंजूर हुम ला युमिनूना, तुम चाहे उन्हें कितना समझाओ वो कभी भी तुम्हारी बातों पर ईमान नहीं लेकर के आएंगे। खत्मुल्लाही आला कुलूबिहिम, क्योंकि उनके दिलों पर मोहर लग चुकी है। वह आला साईहिम, और उनके कानों पर मोहर लग चुकी है। वह आला आबसीरहिम गश्वातुम, और उनकी आंखों पर पर्दे पड़ चुके हैं। सुम्मन बुकमन अयमन, वो लोग आंखों से अंधे हो चुके हैं, वो लोग कानों से बहरे हो चुके हैं, और वो लोग मुंह से गूंगे हो चुके हैं। मैं इन आयतों को पढ़ता हूं तो हमें लगता है कि कहीं ये हमारी तरफ से इशारा नहीं किया जाता। धामधनी ने हमें इतना दिया, शायद ही इस संसार के अंदर किसी प्रेमास्पद ने अपनी प्रेमिका पर लुटाया होगा। जिस अनमोल निधि के लिए संसार तरसता रहा, वो हम सुंदर साथ ना कसनी ना भजन काम क्रोध के सभी विकारों से ग्रसित हमारी झोली में डाल दिया। लेकिन इस ज्ञान की कीमत को कौन समझ पाया। जैसे धामधनी ने कहा है कि शेरनी का दूध एक सोने के बर्तन में ही फूलता है, उसी तरह अगर हमने अपने हृदय को पवित्र कर इस प्रेम को आत्मसात नहीं किया तो हमारा जीवन तो व्यर्थ चला जाएगा। जीवन तो व्यर्थ जाएगा, लेकिन इतना अनमोल अवसर जो हमें मिला हम उससे भी चूक जाएंगे। रास की वाणी में एक उदाहरण दिया जाता है, मैं कई बार देता हूं। आपने एक पतंगे को देखा होगा, बारिश का मौसम आता है, दरवाजा खोलते हैं सुबह सुबह हजारों पतंगे बिखर। पतंगे का सुहाग कौन है? पतंगे का सुहाग है अंधेरा। पतंगा अंधेरे को पसंद करता है, कहीं पर भी अगर उसे रोशनी दिखाई देगी पतंगा उस रोशनी से जाकर के चिपक जाएगा। उसका मकसद क्या है कि मैं किसी तरह से इस रोशनी को बंद कर दूं और मैं अपने माशूक यानी अंधकार से एक हो जाऊं। पतंगे को नहीं पता कि कोई रोशनी के पास जाएगा तो तेरी मृत्यु हो जाएगी। पतंगे को सब पता है, वो जानता है कि इस ज्योति के पास, दीपक की इस ज्योति के पास जैसे ही तू गया तेरे प्राण निकल जाएंगे। लेकिन वो कायम है अपने प्रेम पर, वो अपनी जान की परवाह नहीं करता और जाकर के उस रोशनी से चिपट जाता है। तो रास की वाणी में एक उदाहरण दिया जाता है कि एक पतंगा दूसरे पतंगे के पास आता है और दूसरे पतंगे को आकर के क्या कहता है, पतंगा कहे पतंगे से कहां रहे तू सोए, मैं देखा है दीपक चल दिखाऊं। एक पतंगा दूसरे पतंगे को क्या कह रहा है कि मैंने एक दीपक को देखा है, चल मैं तुझे वो दीपक दिखा करके आता हूं। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? एक पतंगा दूसरे पतंगे को आकर कहता है कि मैंने दीपक को देखा है, चल मैं तुझे दीपक को दिखा करके आता हूं। दूसरा पतंगा जानते हैं क्या कहता है? दूसरा पतंगा उसकी हंसी उड़ाता है और हंसते हुए कहता है कि या तो वह दीपक ना है और या तो पतंगा है। क्यों? क्योंकि हमने तो सुना था पतंगा वो है जो दीपक को देख करके उसके ऊपर अपनी जान कुर्बान कर दे। तो दीपक को देख करके वापस आ रहा है और संदेशा मुझे सुना रहा है।
तू पतंगा नहीं हो सकता, क्योंकि पतंगा कौन है जो देखने के बाद फिर कहीं जाता नहीं है, फिर किसी को खबरें नहीं देता, वो उसके ऊपर अपनी जान कुर्बान करता है। बाद फिर कहीं जाता नहीं है, फिर किसी को खबरें नहीं देता, वो उसके ऊपर अपनी जान कुर्बान कर देता है। उसने कहा या तो वो दीपक ना है, या तो जिसको तू देख करके आया है वो दीपक नहीं, या तू पतंगा ना है, और दूसरी संभावना क्या है, तू पतंगा नहीं है। क्यों? क्योंकि पतंगा कहिए दिन को जो दीपक देख झपाए, क्योंकि पतंगा तो है ही वही जो दीपक को देखे और उसके ऊपर झपा जाए। आज तारतमारी हमसे पूछती है, जिसके जयकारे हम सुंदर साथ बड़े जोर शोर से लगा रहे हैं, अपने धनी श्री श्यामा श्याम, अपने धनी श्री श्यामा श्याम, अक्षरधी प्राण वल्लभ प्राण प्रियतम, आज वाणी हमसे पूछती है कि या तो तू पतंगा ना है या वे दीपक ना है, या तो जिसकी तुमने पहचान की वो तुम्हारे प्राणनाथ नहीं, और या तुम अरस के मोमिन नहीं, क्योंकि पतंगा कहिए जिनको जो दीपक दे जपाए। क्योंकि एक मोमिन की पहचान यही है कि वो यदि अपने प्रियतम की वाणी को सुनेगी, उसके संदेशे को सुनेगी, तो अपना धन मन धन उस पर न्योछावर कर देगी। तो सुंदर साथ जी, बस यही संदेश है, समय भी पूरा हो रहा है। प्रश्न है, कौन आई इत क्यों कर, कहां है तेरो वतन, नार तू कौन खसम की, तड़कर कहो वचन। शब्दों के आधार पर, ज्ञान के आधार पर भले ही आज सभी सुंदर साथ कह सकते हैं कि हम परमधाम की आत्मा है, परमधाम से आए हैं, हमारे प्रीतम प्राण वल्लभ है, हम इन प्रश्नों के उत्तर जानते हैं, लेकिन ये केवल शाब्दिक ज्ञान है। जब तक ये ज्ञान हृदय में नहीं उतरेगा, जब तक हमारी आत्मा उस विरह की अनुभूति को नहीं करेगी, जब तक हम इस तन के रहते हुए युगल स्वरूप का साक्षात्कार नहीं करेंगे, जब तक अक्षरातीत के हृदय की उन अनंत सागरों में हम गोता नहीं लगाते, तब तक कोई भी आत्मा ये नहीं कह सकती कि मैंने आत्म जागृति के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहीं विराम दूंगा।